हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन योर चैनल टेक्नोगुरु। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हैरी कंबोज। ये है मेरा चैनल, आप यहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। यहां से मिलेगी आपको मेरे चैनल की हर तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। काफी सारे मेरे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे हैं, मतलब वीडियोज के नीचे कमेंट कर रहे हैं और क्वेश्चन रेज कर रहे हैं और निराश भी है कि उनको एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल रहा, उनकी वेबसाइट को जान के ब्लॉग को एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपका गिला शिकवा दूर कर देता हूं कि आपको अगर आपको एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिल रहा तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर ऑफ आइडियाज और वेबसाइट्स और अल्टरनेट्स अवेलेबल है कि आप वहां से अपनी वेबसाइट को अर्निंग पे लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उन वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट है जहां पर मैं भी कुछ अपने ब्लॉग्स को वहां से मोनिटाइज कर रहा हूं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूं। तो चलिए, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, लेके चलता हूँ उस वेबसाइट पे जिसका नाम है रेवेन्यू हिट्स। सो काफी सारे मेरे दोस्तों ने ये वेबसाइट पहले ही देखी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कैसे साइन अप करना है, इसके अंदर से ऐड कैसे जनरेट करनी है और अपनी स्क्रिप्ट में कैसे आपने ऐड करना है। आप सभी को पता है कि आजकल जो जमाना चल रहा है वो विशिंग वेबसाइट्स का जमाना चल रहा है। जब भी कोई त्यौहार आता है, कोई इवेंट आता है, तो लोग उस पर एक विशिंग वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं। उस विशिंग वेबसाइट पे जब आप एड्स लगानी होती है तो बंदे बोलते हैं, यार मैं विशिंग वेबसाइट का स्क्रिप्ट का क्या करूं, मेरे पास तो अप्रूवल है ही नहीं एडसेंस का। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास है रेवेन्यू हिट्स जहां से आप सेम तरीके की एड्स, जो एड्स हैं वो क्रिएट कर सकते हो जैसे आप एडसेंस से क्रिएट कर सकते हैं। आप इसमें से रिस्पॉन्सिव ऐड कर सकते हो, बैनर ऐड कर सकते हो, हर तरह के साइज की बैनर ऐड कर सकते हो, हर तरह के साइज की टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, पॉपअप ऐड जनरेट कर सकते हो, हर तरह की एड्स आप इसमें से जनरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जाइए इस वेबसाइट पे जिसका नाम है www.revenuehits.com। आप मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको ये लिंक मिल जाएगा, अगर आपने इस पर रजिस्टर करना है तो डायरेक्टली साइन अप पेज पे जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं इसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज। ये देखिए, ये इसकी है सक्सेस स्टोरीज, जो काफी सारे लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, उनमें से कुछ मेन बंदे जिन्होंने अच्छी खासी अर्निंग करी है। ये देखो, ये भाई साहब बोल रहे हैं, हाउ आई मेड $14,910 इन लेस देन 20 डेज विद रेवेन्यू हिट्स। अगर आपको ये आपके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरीज होनी चाहिए, अगर आप इसको पढ़ो तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि उसने क्या फॉलो करा था इतने पैसे अर्न करने के लिए। तो मैं ये प्रॉपर इसको रीड नहीं करूंगा, अगर रीड करूंगा तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए, इसको मैं बताता हूँ कैसे साइन अप करना है। देखिए फ्रेंड्स, आप क्लिक करेंगे ज्वाइन नाउ फॉर फ्री, यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके पास साइन अप पेज खुल जाएगा। यहां पर आपने डालना है अपना फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम है हैरी, लास्ट नेम है कंबोज। आपने यहां पर डाल देना अपनी वेबसाइट का नेम, जैसे मेरी वेबसाइट है ये वाली, ठीक है, जो मैंने एक विशिंग वेबसाइट बनाई है, awesomemagicforyou.tk। आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है आपकी, क्या है, अदर पे जाके आपने डाल देना है विशिंग वेबसाइट। यहां पर आप डाल दोगे विशिंग वेबसाइट या ब्लॉग, ठीक है। यहां पर आपने डाल देनी है अपनी ईमेल आईडी, जो मैंने रजिस्टर कर पहले से आ रही है मेरी यहां पर। यहां पर आपने पासवर्ड डाल देना है, तो यहां पर आपने कंफर्म कर देना है पासवर्ड, और यहां पर 9+0=9 सेलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर कर देना है इसको एग्री। जस्ट अ सेकंड, आपको दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, अभी लास्ट पे जाके यहां पर आपने क्लिक कर देना आई हैव रीड एंड एग्री एंड revenuehits.com टर्म्स एंड सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी। क्लिक करने के बाद आपने कर देना है साइन अप। साइन अप करने के बाद आपके पास एक कंफर्मेशन मिल जाएगी आपकी ईमेल आईडी पे। जब आप अपनी ईमेल आईडी पे जाओगे, वहां पर कंफर्म करोगे, तो आप डायरेक्टली आ जाओगे साइन इन पेज पे। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पहले से इसके अंदर जो अकाउंट है, तो मैंने इसके अंदर साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो कल के जो इंप्रेशंस हैं, सो फ्रेंड्स, ये है मेरा डैशबोर्ड, यहां पर मेरे कल के इंप्रेशंस बता रहा है, कल की मेरी परफॉर्मेंस बता रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपनी नई वेबसाइट जो है वो इसके अंदर कैसे ऐड करनी है, और वेबसाइट ऐड करने के बाद उसके अंदर एड्स कैसे, एड कोड कैसे निकालने हैं और उनको प्लेस कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर डाली हुई है, लेकिन अभी उसके अंदर मैंने एड्स नहीं रखी हुई, मतलब एड्स प्लेसमेंट के लिए कोड्स अभी नहीं निकाले, जनरेट नहीं करे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने न्यू वेबसाइट कैसे इसके अंदर डालनी है, ऐड करनी है। तो ये देखिए, क्रिएट न्यू साइट यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर बताएंगे हम सबसे पहले इसका साइट का नेम देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट का नाम है abc.com, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा abc। तो यहाँ पर मैं डालूंगा http://abc. मैं यहाँ पर डालूंगा http://www.abc.com, ठीक है। उसके बाद ये टाइप क्या है, एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, पॉपअप है, ये है हमारी वेबसाइट। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया वेबसाइट। अगर आपकी विशिंग वेबसाइट है तो आपने क्लिक करना है अदर। अदर पे क्लिक करने के बाद यहां पर लिखेंगे विशिंग वेबसाइट।
फिशिंग वेबसाइट, और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे कि ये वेबसाइट जो है एक एज ए फिशिंग वेबसाइट है, और उसके बाद आप कर दोगे सेव। सेव करने के बाद वो सारी की सारी आपकी डिटेल यहाँ पर शो होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरी पहले से ऐड है तो इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आपको सिर्फ प्रोसीजर बताया मैंने कैसे ऐड करनी है। सो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको आपके पास आ जाएगा वो वेबसाइट जिसके अंदर आपने जो एड्स हैं वो प्लेसमेंट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर न्यू प्लेसमेंट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कैटेगरी आ गई कि हमने कौन सी ऐड जो है वो लगानी है। जैसे सबसे ऊपर आ रही है बैनर एड्स, फिर पॉप अंडर एड, फिर यहाँ पर फ्लोटिंग बैनर है, यहाँ पर आपको कार्टून्स वगैरह दिखेंगे, यहाँ पर है शेडो बॉक्स, एक शेडो बॉक्स खुलेगा, ये स्लाइडर है जो साइड बार पे स्लाइडर आएगा, जब आप वेबसाइट को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो साथ साथ ये आपके घूमेगा। उसके बाद ये देखिए बटन आ रहा है, यहाँ पर एक बटन भी लगा सकते हो एज ए ऐड आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फुटर, फुटर में ऐड आएगी। ऐसे टूल बार आ रहा है पूरे का पूरा, आपको ऊपर टूल बार दिखेगा, लेकिन हमने लगानी यहाँ पर बैनर ऐड, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया बैनर। यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट पहले साइट, किस साइट पर मैं लगाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए, जब आपने प्लेसमेंट करनी है तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने ब्लॉग पे लगाना चाहते हो, अपने विशिंग वेबसाइट की स्क्रिप्ट के अंदर लगाना चाहते हो। जैसे फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक विशिंग वेबसाइट, जो भी आपको पता है कि आने वाले दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है मंडे को, तो उसकी ये मेरे पास स्क्रिप्ट है, उसके अंदर मैं आपको ये एड्स जो है लगा के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डालना है गूगल का एनालिटिक्स का कोड, लेकिन मैंने लगाना है अभी यहाँ पर एडसेंस वाले कोड्स। तो मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर फाइंड करूंगा एडसेंस कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगाना है 300x60 एड डिस्प्ले। तो मैं जाऊंगा दोबारा से रेवेन्यू हिट में, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूंगा 300x60। अगर मेरे पास 300x60 नहीं है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा 300x50। सेम ही होता है फ्रेंड्स ये। तो मैंने ये लगा ली फर्स्ट AWSOMEAWSOMEWISHAD। ठीक है, मैं यहाँ पर भी इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि मैंने कौन सी ऐड यहाँ पर लगाई है। मैंने कर दिया सेव। सेव करने के बाद मेरे पास आएगा यहाँ पर कोड। ओके, प्लेसमेंट नेम भी मैंने यहाँ पर देना है, तो मैं यहाँ पर डालूंगा फर्स्ट ऐड विद द नेम ऑफ दिस, मैंने यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद मैं करूँगा सेव। ये थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हमने ये ऐड कहाँ पर लगाई है। करने के बाद ये देखिए मेरी यहाँ पर ऐड आ गई है, इसका मैं कोड यहाँ से कॉपी करूँगा। ये मैंने कोड कॉपी कर लिया और मैंने लगा दी यहाँ पर। लो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली ऐड लग गई। उसके बाद मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पर डालनी है मैंने रिस्पॉन्सिव ऐड। तो मैं दोबारा से जाऊँगा यहाँ पर न्यू प्लेसमेंट, देखते हैं इसके अंदर मेरे को रिस्पॉन्सिव ऐड मिलती है। यहाँ पर डालना है मैंने रिस्पॉन्सिव ऐड। ये देखो यहाँ पर मैंने रिस्पॉन्सिव ऐड की जगह पे लगा दिया मिड लेयर ऐड, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया रिस्पॉन्सिव। ये देखिए, जब मैं आपको वहां पर शो करूंगा सेम एज इट इज वहां पर शो करेंगे जैसे गूगल एडसेंस की एड शो करती है। तो सेव हो रहा है अभी। ओहो, मेरा वाईफाई जो है वो, तो ये मेरी एड क्रिएट हो गई है। यहां से मैं करूंगा कॉपी, कॉपी कर लिया मैंने यहां से, और मैं डाल दूंगा यहां स्क्रिप्ट के अंदर। यहां पर मेरी ऑप्शन है यहां पर स्क्रिप्ट डालने के लिए, तो मैंने डाल दिया यहां पर। उसके बाद मेरी यहां पर लगेगी एक लिंक एड, उसके लिए फिर मैं दोबारा से जाऊंगा यहाँ पर न्यू प्लेसमेंट पे क्लिक करूंगा, फिर बैनर पे जाऊंगा, बैनर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जहां से उठाऊंगा मैं सबसे छोटे वाले इनलाइन मोबाइल ऐड, तो यहां पर मैंने लिख दिया लिंक ऐड, कर लिया यहाँ पर मैंने, यहाँ पर भी डाल दिया। उसके बाद मैं करूंगा सेव, यहाँ पर से उठाऊंगा मैं इसका कोड, कोड उठा लिया मैंने और मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। राइट, अभी मैंने कर लेना। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कोड सारे के सारे मैंने पेस्ट कर दिए हैं। अब मैं यहाँ से करूंगा कोड को कॉपी, अपने ब्लॉग के अंदर डालूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये वाकई में जो एड्स है ये काम करने शुरू हो गए हैं। मैंने यहाँ से कर दिया कंट्रोल ए कंट्रोल वी, कर दिया सेव। ठीक,
इसके बाद देखते हैं अभी न्यू ब्लॉग पे जाके क्या हमें क्या ऑप्शन मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ पर चल गया है, इसको करूँगा मैं कैंसिल। देखते हैं यहाँ पर एड्स शो होती हैं या नहीं। ये देखिए यहाँ पर मेरी एड्स पहले नंबर वाली शो होगी, उसके बाद ये नीचे वाली है जो शो हो रही है सेकंड नंबर वाली, और लास्ट में देखिए ये थोड़ा सा नीचे रह गया, इसको थोड़ा सा कोड को मैं ऊपर उठा लूँगा, लेकिन ये मेरी एड्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो काम करना शुरू करिए। आप निराश मत होइए, रेवेन्यू हिट्स पे जाइए, वहां पर अपनी वेबसाइट अप्रूव मतलब डालिए, साइन अप करिए, एड कोड लो और पेस्ट करो। अगर इसके दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इस तरह की वेबसाइट की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो बनाने का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि जन्माष्टमी आ रही है मंडे को, तो जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और जुड़े रहिए मेरे साथ मतलब टेक्नो गुरु के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।